मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में बाढ़ बारिश का कहर, 1100 से ज्यादा गांव प्रभावित। शिवपुरी में सबसे बुरा हाल, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अलावा वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने भी मोर्चा संभाला। शिवपुरी जिले में रपटे से गुजरती एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम की बस हादसे का शिकार होने से बची, क्रेन की मदद से बस को निकाला गया। सीएम शिवराज ने पीएम मोदी को फोन पर दी प्रदेश में बाढ़ के हालात की जानकारी, पीएम ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। शिवराज बोले, दिन रात हालात की निगरानी, अफसरों से ले रहे हैं अपडेट। मुरैना में रात के अंधेरे में सड़क पर तेजी से भागते हुए मगरमच्छ दिखाई दिया, इलाके में दहशत। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से रिहायशी इलाकों की तरफ आ रहे खतरनाक जानवर। हुगली में बाढ़ से हालात बेहद खराब, सेना ने संभाल रखा है मोर्चा, बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने का काम लगातार जारी। हुगली के खानाकुल में बाढ़ के बीच 3 दिन में घर में फंसे परिवार को एयरलिफ्ट कर बचाया गया, बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक है खानाकुल। हिमाचल के सिरमौर में रेणुकाजी इलाके में टूटा पहाड़ का बड़ा हिस्सा, रास्ते पर मौजूद लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान, जेसीबी मशीन भी मलबे के नीचे आने से बची। हिमाचल के चंबा में भी लगातार बारिश से पहाड़ी हिस्से टूटकर सड़क और नदियों में गिर रहे हैं, हड़सर भरमौर मार्ग पर पहाड़ी दरकने का वीडियो सामने आया, कोई हताहत नहीं। केरल में बढ़ते कोरोना केस की वजह जानने गई केंद्र की 6 सदस्यीय टीम ने अपनी रिपोर्ट केंद्र और राज्य सरकारों को सौंपी, आरटीपीसीआर टेस्ट और टीकाकरण बढ़ाने के सुझाव दिए। देश में 24 घंटे में कोरोना के 30,549 नए केस आए, 422 मरीजों की मौत। 24 घंटे के आंकड़ों में 49.85% केस केवल केरल में ही दर्ज हुए। देश में अब एक्टिव केस 4,04,958 है। सरकार ने फिर देशवासियों को चेताया, स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल बोले, कोरोना केस भले ही कम हो गए हों लेकिन दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है, लोग पूरी तरह से सावधानी बरतें। देश भर में अब तक 48 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी गई, सरकार के मुताबिक इनमें 37 करोड़ से ज्यादा लोगों को पहली डोज और 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को दोनों डोज मिली। यूपी में कल 26 लाख डोज लोगों को लगाई गई, एक दिन में सबसे ज्यादा टीकाकरण का रिकॉर्ड बना, सीएम योगी ने ट्वीट कर जानकारी दी। बंगाल के बीरभूम में वैक्सीन लगवाने पहुंची लोगों की भारी भीड़ ने कोरोना नियम तोड़े, अफरा तफरी और धक्का मुक्की में कई लोग घायल भी हुए। बारहवीं के बाद सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं की परीक्षा के नतीजे भी घोषित किए, 99.04% छात्र छात्राएं पास हुए, पीएम मोदी ने बधाई दी। संसद में सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध बरकरार, पेगासस जासूसी और महंगाई के मुद्दे पर दोनों सदनों में आज भी हंगामे के आसार, कल 3 बार स्थगित हुई लोकसभा की कार्यवाही। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज दोपहर 1 बजे संसद भवन के एनेक्सी बिल्डिंग में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। हंगामे की भेंट चढ़े संसद के मॉनसून सत्र पर पीएम मोदी ने जताई नाराजगी, बीजेपी संसदीय दल की बैठक में डेरेक ओब्रायन के पापड़ी चाट वाले बयान को लोकतंत्र और संविधान का अपमान बताया। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, कहा सरकार विपक्ष का नहीं देश की जनता का कर रही अपमान। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सांसद राहुल गांधी संसद के मॉनसून सत्र के बाद जा सकते हैं महाराष्ट्र, सीएम उद्धव से मिलेंगे, मातोश्री भी जा सकते हैं राहुल, शिवसेना से न्योता मिलने की खबर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पार्टी के सभी मोर्चों के अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी मौजूद रहेंगे, आगामी चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां जोरों पर, जेपी नड्डा 7 अगस्त को लखनऊ दौरे पर जाएंगे, पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ कई बैठक करेंगे, चुनाव में जीत का मंत्र देंगे।
जेपी नड्डा 21 और 22 अगस्त को उत्तराखंड भी जा सकते हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य के पदाधिकारियों के साथ मंथन करेंगे, जनसभा भी संबोधित करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली में मध्य प्रदेश के सभी सांसदों के साथ डिनर करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश के कई मुद्दों पर चर्चा होगी। पंजाब की जनता के लिए अकाली दल ने किया बड़ा ऐलान। सुखबीर बादल बोले, चुनाव जीते तो 400 यूनिट फ्री बिजली देंगे। कृषि कानून पंजाब में लागू नहीं होने देंगे। नीतीश के वापस महागठबंधन में आने के सवाल को टाल गए लालू यादव। चिराग पासवान को बताया एलजेपी का नेता, कहा अगर चिराग हमारे साथ आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। श्रीनगर के खानियार में पुलिस टीम पर आतंकी हमला, एक पुलिसकर्मी और एक स्थानीय नागरिक घायल। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 10 मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट जारी की। लिस्ट में ज्यादातर स्थानीय आतंकी, 4 आतंकियों की हुई पहचान। टीआरएफ के मुखिया अब्बास शेख की भी पुलिस को तलाश। दिल्ली के नांगल में 9 साल की बच्ची से कथित रेप और हत्या मामले में मुख्य आरोपी समेत 4 की गिरफ्तारी। परिवार के मुताबिक जबरन किया गया अंतिम संस्कार, दोषियों के लिए फांसी की मांग की। बच्ची की मां ने एबीपी न्यूज से कहा, शमशान घाट पर शव जलाकर अपराध छिपाने की कोशिश हुई। चिता बुझाकर बेटी का अजला शव निकाला, फिर पुलिस को बताया लेकिन जैसी मदद मिलनी थी वैसी मिली नहीं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज नांगल पहुंचकर पीड़ित बच्ची के परिवार से मिलेंगे। ट्वीट कर वारदात को शर्मनाक बताया, बोले दिल्ली में कानून व्यवस्था दुरुस्त किए जाने की जरूरत। दिल्ली में बच्ची की संदिग्ध मौत मामले में सियासी तूल पकड़ा। बीच सड़क पर मंच लगाकर बच्ची को इंसाफ दिलाने की मांग, कई नेताओं का आना जाना। कल भीम आर्मी के चंद्रशेखर और आप विधायक राखी बिड़लान भी पहुंचे। 9 साल की बच्ची से कथित रेप और हत्या मामले में दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को समन भेजा। आयोग ने मामले को बहुत गंभीर बताया। नई दिल्ली रेंज के ज्वाइंट कमिश्नर जसपाल सिंह ने कल पीड़ित बच्ची के माता पिता से मुलाकात की, निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। कहा डीआईयू को सौंपी जांच, 60 दिनों के अंदर दाखिल होगी चार्जशीट। दिल्ली की केजरीवाल सरकार कैबिनेट ने लगाए विधायकों की सैलरी बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर। नए फैसले के मुताबिक 54,000 से बढ़कर 90,000 रुपए महीने हो जाएगी विधायक की तनख्वाह। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी कल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के यूपी के लाभार्थियों से और शनिवार को मध्य प्रदेश के लाभार्थियों से वर्चुअली बातचीत करेंगे। एक दिन पहले गुजरात के लाभार्थियों से बात की। गृहमंत्री अमित शाह 8 अगस्त को उत्तराखंड के उत्तरकाशी और निलांग वैली जाएंगे। आईटीबीपी की पासिंग आउट परेड में शामिल होंगे। जम्मू से सटे कठुआ में रंजीत सागर बांध झील में लापता दोनों पायलटों का अब तक नहीं मिल रहा कोई सुराग। एनडीआरएफ और सेना को रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कल सुबह क्रैश हुआ था पठानकोट से उड़ा सेना का हेलीकॉप्टर। बंगाल में पूर्वी मिदनापुर जिले के हल्दिया में पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री में आग से मचा हड़कंप। किसी की जान को नुकसान नहीं, आग बुझा ली गई पर आग की वजह अभी तक पता नहीं चल सकी। गुजरात के सूरत चिड़ियाघर को मिली सफेद बाघों की जोड़ी। बाघ बाघिन का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। 10 से 15 दिन के आइसोलेशन के बाद सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए सामने लाया जाएगा इस जोड़े को। टोक्यो ओलंपिक में आज भारत के लिए बड़ा दिन। इतिहास रचने वाली महिला हॉकी टीम का सेमीफाइनल मैच दोपहर 3:30 बजे से अर्जेंटीना की टीम से भिड़ंत। बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन का आज सुबह 11 बजे से भी फाइनल मुकाबला। 69 किलो वर्ग के सेमीफाइनल में तुर्की के विश्व चैंपियन बुजिनाज सुरमेनेली के खिलाफ उतरेंगी लवलीना। पुरुष हॉकी टीम सेमीफाइनल में बेल्जियम से हारी लेकिन ब्रॉन्ज मेडल की उम्मीद अब भी बरकरार। कल खेला जाएगा अगला मुकाबला। पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। ओलंपिक खेलों में 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी पीवी सिंधु ने देश लौटते ही कहा, जिन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया उन सभी का शुक्रिया, ये मेरे लिए बेहद खुशी का पल।
खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीवी सिंधु और उनके कोच पार्क ताईसांग को सम्मानित किया। खेल मंत्री ने कहा, पूरे देश को आप पर गर्व। पीएम मोदी ने भारतीय ओलंपिक दल के खिलाड़ियों को बतौर स्पेशल गेस्ट 15 अगस्त पर लाल किले के कार्यक्रम में शामिल होने का दिया न्योता। बाद में सबसे अलग अलग भी मुलाकात करेंगे पीएम। ओलंपिक खेलों पर बोले पीएम मोदी, हर गेम में भारतीय खिलाड़ियों की कोशिश बेहतरीन प्रदर्शन करने की ये नया आत्मविश्वास न्यू इंडिया की पहचान बन रहा है। भारत और इंग्लैंड के बीच आज से 5 मैचों की टेस्ट सीरीज नॉटिंगम के ट्रेंट ब्रिज स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा पहला मैच। पूरे जोश के साथ उतरेगी विराट की टीम। करीब 2.5 साल बाद क्रिकेट के मैदान पर फिर भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान। 24 अक्टूबर को दुबई में विश्व कप T20 के लीग मैचों में भारत और पाकिस्तान के बीच होगा मुकाबला। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की। तालिबान की बढ़ती हिंसा पर भारत से यूएनएससी का विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया। बॉलीवुड रैपर और सिंगर हनी सिंह पर उनकी पत्नी शालिनी ने घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया। दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने नोटिस जारी कर हनी सिंह से 28 अगस्त तक जवाब मांगा। मुंबई पॉर्नोग्राफी केस में आर्म्स क्राइम के फाउंडर डायरेक्टर सौरभ कुशवाहा से आज पूछताछ करेगी क्राइम ब्रांच। आर्म्स क्राइम ने ही हॉटशॉट एप्लीकेशन बनाया था। ABP News आपको रखे आगे।